हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किचन दरबार। आज हम किचन दरबार में मटन निहारी पाए बनाने की इजी रेसिपी देखेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं और बाज़ार से भी बेहतर मटन निहारी पाए तंदूर के साथ आप अपने घर पर आसानी से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मटन निहारी पाए बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चार जोड़ी मटन के पाए लिए हैं, यानी 4 pair ऑफ मटन बोन्स लिए हैं और इसे नमक के पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। 5 medium size ऑनियन लेकर इसे रफली चॉप कर लिया है। अब हम एक प्रेशर कुकर लेके इस मटन पाए और ऑनियन को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, 2 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 teaspoon हल्दी पाउडर, 2 teaspoon लाल मिर्च पाउडर और 1.5 glass वाटर ऐड करके इसे अच्छे से वुडन स्पून से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसे प्रेशर कुकर लगाकर 1/2 hour के लिए प्रेशर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए 4 से 5 whistle आ गई है और हमने इसे खोल लिया है। देखिए इसमें मटन पाए जो है अच्छे से कुक हो गए हैं। देर और पकाएंगे। बीच बीच में इसे अच्छे से स्टर करते रहेंगे ताकि इसमें जो ऑनियन है वो अच्छे से कुक हो जाए और अच्छे से डिसॉल्व हो जाए।15 मिनट तक हमें इसे अच्छे से कुक करना है ताकि जो मटन पाए वो अच्छे से कुक हो जाए। अब हम दूसरे पैन में 4 tablespoon ऑयल ले लेंगे। फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम रखा है। 3 से 4 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 इलायची डाल के इसमें 1 tablespoon रफली चॉप अनियन डालेंगे और इसे अच्छे से सौते कर लेंगे। जब हमारी अनियन अच्छे से सौते हो जाएगी तब हमने प्रेशर किया हुआ मटन इसमें से बगाड़ देंगे। अब हम इसे आहिस्ता से पूरा मटन जो है इसमें ऐड कर लेंगे। देखिए पाए अच्छे से कुक हो गए हैं। इसके बाद अब हम इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितनी थिक आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से वाटर ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 liter वाटर ऐड किया है और वाटर ऐड करने के बाद इसे 4 to 5 बॉइल्स आने तक इसे अच्छे से कुक करना है। जितनी थिक आपको ग्रेवी चाहिए उतनी देर कुक कीजिएगा। याद रहे फ्लेम हमेशा मीडियम होनी चाहिए। अब हम इसमें 1/2 cup हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसमें 4 से 5 उबाल आने तक कुक करेंगे। देखिए जो निहारी पाए वो अच्छे से बॉईल हो रही है। हमें इसे जब तक बॉईल करना है कि इसके एजेस से ऑयल रिलीज हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। देखिए तेल अच्छे से रिलीज हो गया है। अब हम इसे फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसे गर्मा गर्म तंदूर रोटी के साथ सर्व कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल किचन दरबार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर चेक कर लीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।